So, hello friends and welcome back to the channel. This is Vishnu Rahi and you are watching me on Vishnu Rahi YouTube channel. तो आज हम जाने जा रहे हैं everything about the word cat. आज हम सब कुछ जानेंगे about cat. Cat word के बारे में हम सब कुछ जानेंगे. में जैसे कि उसकी मीनिंग क्या है, उसको किस किस सेंसेस में यूज़ करा जाता है, किस किस तरीके से यूज़ करा जाता है एंड ऑल एवरीथिंग. एंड फॉर नोइंग ऑल दिस थिंग्स यू जस्ट नीड टू बी विद मी टिल द एंड ऑफ दिस वीडियो. सो नाउ विदाउट वेस्टिंग टाइम लेट्स गेट स्टार्ट दिस वीडियो. अगर मैं गेट वर्ड के बारे में बात करूँ तो गेट वर्ड को हम कई अलग अलग सिचुएशंस अलग अलग वर्ड्स के जगह पे यूज़ कर देते हैं अलग अलग सिचुएशन के अकॉर्डिंग. जैसे अगर मैं एक एग्जांपल के लिए बोलूँ तो बहुत सारी सिचुएशंस में बहुत जगहों पर अंडरस्टैंड वर्ड जो होता है उसकी जगह पर गेट वर्ड का यूज़ कर देते हैं और आजकल किया भी जाता है. तो अभी मैं कुछ एग्जांपल के थ्रू बताऊंगा कि अंडरस्टैंड की जगह पे आप गेट वर्ड का यूज़ कैसे कर सकते हैं किसी भी सेंटेंस में, किसी भी कन्वर्सेशन में. फॉर एग्जांपल, आई गॉट इट मतलब मैं यह समझ गया. आई गॉट इट, मैं यह समझ गया. गॉट वर्ड इसलिए लगाया है क्योंकि ये एक पास्ट इंडेफिनिट टेंस है और पास्ट इंडेफिनिट टेंस में वर्ब की सेकेंड फॉर्म लगती है और गेट की सेकेंड फॉर्म होती है गॉट. सो आई गॉट इट, मैं यह समझ गया. एक और एग्जांपल लेते हैं, जैसे कि डिड यू गेट इट मतलब क्या तुम्हें यह समझ आया, क्या तुम यह समझे, डिड यू गेट इट. तो ऐसे ही अलग अलग वर्ड्स की जगह पर गेट वर्ड का यूज़ करते हैं. और भी अलग अलग वेज हैं, और भी तरीके हैं गेट वर्ड को यूज़ करने के, हम उनके बारे में भी एक एक करके जानेंगे. सो ये था किस तरह से हम गेट को अंडरस्टैंड वर्ड की जगह पे यूज़ करते हैं कई सिचुएशंस में और भी बहुत जगहों पर. तो अभी चलिए आगे, ये था हमारा पहला तरीका कैसे हम गेट वर्ड को अलग सेंस में यूज़ करते हैं. चलिए और बाकी तरीकों को जानते हैं. हमारा दूसरा तरीका गेट वर्ड को लेकर है होने की सेंस में. जैसे कि कोई खुश हो रहा है और कोई हंस रहा है, होने की सेंस में हम गेट वर्ड को यूज़ करते हैं. ये दूसरा तरीका है. फॉर एग्जांपल, शी इज़ गेटिंग हैप्पी मतलब वह खुश हो रही है, और ही इज़ गेटिंग एंग्री, वह गुस्सा हो रहा है, और someone is getting happy, कोई खुश हो रहा है. तो ये कुछ एग्जांपल्स थे गेट वर्ड के जो होने के सेंस में थे. चलिए अब कुछ और तरीके जानते हैं जिसमें गेट वर्ड को यूज़ करा जाए. हमारा जो अगला तरीका है गेट वर्ड को यूज़ करने का, वो होगा पाने के सेंस में. पाने के सेंस में जैसे एग्जांपल ही देख लेते हैं. यू विल गेट इन्फॉर्मेशन अबाउट इंग्लिश हियर. You will get information about English here. तुम यहाँ English के बारे में information सूचना पाओगे. तुम यहाँ पर English के बारे में सूचना या जानकारी पाओगे. ठीक है, अगर एक और information कह रहा हूँ मैं, example लें तो जैसे कि You will get success. तुम सफलता पाओगे. You will get success. तो चलिए अब अपना अगला यूज़ देखते हैं गेट वर्ड को लेकर. तो फ्रेंड्स, हमारा अगला यूज़ है गेट को लेकर दिलाने के सेंस में. जैसे एग्जांपल के लिए, आई विल गेट यू अ कार. मैं तुम्हें एक कार दिलाऊंगा. आई एम नॉट सीरियस अबाउट इट. ओके, सो हमारा नेक्स्ट एग्जांपल है आई कैन गेट यू समथिंग. ये सेंटेंस सही है, मैं तुम्हें कुछ दिला सकता हूँ. आई कैन गेट यू समथिंग. और आप इस गेट को लेकर इस यूज़ में ऐसे ही बोल सकते हैं, प्लीज़ गेट मी अ बुक, प्लीज़ गेट मी समथिंग, प्लीज़ मुझे कुछ दिला दो. जैसे एग्जाम्पल के लिए, प्लीज़ गेट मी अ बुक, प्लीज़ मुझे एक बुक दिला दो. प्लीज़ गेट मी अ टॉय, प्लीज़ मुझे एक खिलौना दिला दो. और ऐसे हम यूज़ कर सकते हैं गेट वर्ड का इस सेंस में. तो चलिए अब हम अगला यूज़ देखते हैं गेट वर्ड का जो है. सो फ्रेंड्स, हमारा अगला यूज़ गेट को लेकर जो है लाने के सेंस में.
लाने की सेंस में, ठीक है। तो जैसे एक एग्जांपल के थ्रू समझते हैं, जैसे कैन आई गेट यू ग्लास ऑफ लिमका, कैन आई गेट यू अ ग्लास ऑफ लिमका, क्या मैं तुम्हारे लिए एक ग्लास लिमका का ला सकता हूँ। कहने के लिए वैसे तो कोई पिएगा नहीं, मेरे को पता है क्योंकि ठंड रहती नहीं है। एंड एक और एग्जाम्पल ले लेते हैं, जैसे कि कैन आई गेट यू अ बुक, कैन आई गेट यू अ बुक, क्या मैं तुम्हारे लिए एक बुक ला सकता हूँ, या ठीक है, कैन आई गेट यू अ बुक, क्या मैं तुम्हारे लिए बुक ला सकता हूँ। तो ये था हमारा यूज लाने के सेंस में गेट वर्ड का। तो अब चलिए एक और या फिर दो और हम यूजेस को देख लेते हैं गेट के। तो जो है, तो फ्रेंड्स हमारा अगला यूज गेट को लेकर जो है वो है कराना या करवाने के सेंस में। फॉर एग्जाम्पल, आई विल गेट माई हेयर ट्रीम्ड, आई विल गेट माई हेयर ट्रीम्ड, मतलब मैं अपने बालों को कटवाऊंगा। तो जो कटवाऊंगा, ये जो करवाने की सेंस होती है वो ही गेट गेट है यहाँ पर। आई विल गेट माई हेयर ट्रीम्ड, मैं अपने बालों को कटवाऊंगा। और अगर एक और एग्जाम्पल के थ्रू हम समझें इसको, तो फिर आई कैन गेट योर प्रॉब्लम सोल्व, आई कैन गेट योर प्रॉब्लम सोल्व, मैं तुम्हारी प्रॉब्लम को, तुम्हारी दिक्कत को सोल्व करवा सकता हूँ, करवाने की सेंस। यही है गेट का यूज़। चलिए अब हमारा जो एक लास्ट का गेट का यूज़ बचा है उसको भी समझ लेते हैं। तो फ्रेंड्स ये है हमारा लास्ट यूज़ गेट वर्ड को लेकर। तो जो गेट वर्ड है इसमें हम जो जो सेंस आएगी वो है हो गया या हो गई की सेंस में, ठीक है। और यहाँ पर हम गेट वर्ड का यूज़ नहीं, गेट की सेकेंड फॉर्म का यूज़ करेंगे, और वो भी इस फॉर्मेशन में, गॉट प्लस में वर्ब की थर्ड फॉर्म, वर्ब मीन्स क्रिया की थर्ड फॉर्म। जैसे एग्जाम्पल के लिए, आफ्टर मीटिंग यू माई प्रॉब्लम गॉट सोल्व, आफ्टर मीटिंग यू माई प्रॉब्लम गॉट सोल्व, तुमसे मिलने के बाद मेरी जो प्रॉब्लम थी, मेरी जो दिक्कत थी वो सॉल्व हो गई, ठीक है, सॉल्व हो गई, दूर हो गई, ठीक है। तो ये हो गया, ये हो गई की सेंस आ रही है, यही हमारा तीसरा ये लास्ट का यूज़ है। और अगर मैं एक और एग्जाम्पल लूँ, तो हिज चेयर गॉट ब्रोकन, हिज चेयर गॉट ब्रोकन, उसकी चेयर टूट गई, ठीक है। तो ये था हमारा लास्ट यूज गेट वर्ड को लेकर। सो फ्रेंड्स इट वॉज ऑल इन दिस वीडियो, आई विश यू वुड लाइक दिस वीडियो। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन है तो फिर बस मुझसे कमेंट में पूछिए, और अगर आपका पूरा समझ आ गया है तो हियर इज द वर्क। सो फ्रेंड्स इट वॉज ऑल इन दिस वीडियो, आई विश यू वुड लाइक दिस वीडियो, एंड इफ यू लाइक सो प्लीज लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब। आई विल सी यू सून विद अ न्यू वीडियो। फॉर द टाइम, बाय बाय।